हेलो फ्रेंड्स, वर्म जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि सनी देओल से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सनी देओल इन दिनों अपनी राजनीतिक जीवन में काफी सक्रिय हैं और वो सिल्वर स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं। उनकी जो आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो वो थी ब्लैंक, लेकिन उसके बाद उनकी कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आ सकती है उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। यानी कि दर्शकों को बहुत ही बेताबी से इंतजार है सिल्वर स्क्रीन पर ही मैन यानी कि भैया सनी देओल का, यानी कि भैया 2.5 किलो का हाथ देखने के लिए दर्शक जो है वो काफी बेताब है। इसी बीच में सनी देओल को लेकर एक खबर आ रही थी कि भैया बहुत जल्दी ही सनी देओल जो हैं अपने सबसे पसंदीदा डायरेक्टर यानी कि राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म फतेह सिंह में नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि यह फिल्म शुरू हो पाता, इस फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद में आप भी हताश हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको सनी देओल की इस फिल्म का इंतजार है तो भैया जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। यानी कि बताया जा रहा है कि यह फिल्म डब्बे में चली गई है, यानी कि इस फिल्म का काम अब शुरू नहीं हो सकता है। यानी कि इस फिल्म को लेकर जो खबरें चल रही थी कि यह फिल्म बहुत जल्दी बनने वाली है और सनी देओल फिर से एक बार राजकुमार संतोषी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेंगे, तो उस पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि भैया कब इस फिल्म का काम शुरू हो सकता है। आपको तो पता ही है कि इससे पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी, यानी कि दामनी, घायल, घातक, बेहतरीन फिल्मों का दौर रहा है इन दोनों का। लेकिन अब जो खबर आई है फतेह सिंह को लेकर वो बहुत ही चौंकाने वाली है। यानी कि जिस फिल्म का इंतजार दर्शकों को बहुत ही बेताबी से था वो फिल्म अब नहीं बनने वाली है। मतलब जो खबरें निकल के आ रही है सोर्सेस से वो यही बता रही है कि इस फिल्म पर अब मान के चलो तो भैया रोक लग चुका है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि इस फिल्म के नहीं बनने से आपको कितना दुख लग रहा है और क्या आप चाह रहे थे कि सनी देओल की वापसी हो सिल्वर स्क्रीन पे। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।